बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम अंडों के पकोड़े बना रहे हैं। उसके लिए बेसन, अंडा ही फेंटा हुआ, बॉयल हुए हुए अंडे, और ये पीसी मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ, थोड़ा सा सोडा खाने वाला, पिसा धनिया, गरम मसाला, ये नमक। अब हम इसमें बेसन में सारी चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी, बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लें। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ना हों अंदर। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ये। अब इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना। ये देखिए हमारा बेसन अब 2 मिनट के लिए रखा था। अब पकौड़े बनाते हैं। इसमें डिप करके बेसन को अच्छी तरह लगा लें अंडों में, बॉयल हुए अंडे। इसको फिर अंडे के अंदर डिप करके से डाल दिया है। आँच थोड़ी तेज कर लें। इसी तरह हिलाए, अच्छी तरह से तेल डालें ऊपर उसके। इस तरह से अभी देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है अंडों का, अंडे के पकोड़े। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। ये देखें अच्छे लग रहे हैं फ्राई होते हुए। अंडे बनने वाले हैं बस। अब इसे डिश आउट करते हैं। अंडे के पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये जो बंद कर रहे हैं, अब इसे डिश आउट कर रहे हैं। Thank you.
ये देखें अंडे के पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। इस पर हरा धनिया डाल दिया, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये लाल और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।